फ्री बेस एस्पिरेंट्स, आज हम देखते हैं कि फ्री बेस क्या होते हैं, बिकॉज कुछ टाइम से न्यूज़ में रह रहे हैं। तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना हैं, उन्होंने भी रिसेंटली कहा है कि जो भी जो इरेशनल फ्री बेस पॉलिटिकल पार्टीज ऑफर कर रही हैं, दे शुड नॉट बी, इकोनॉमी पे कोई उसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका बर्डन टैक्स पेयर पे बहुत ज़्यादा होता है। सो एवरीबॉडी वॉन्ट्स फ्री बेस, उन्होंने बोला कि हर कोई फ्री बेस चाहता है। That was exactly we want a neutral body to look into the issue. और उन्होंने यहाँ पे fiscal responsibility और management act की भी बात की है, जिसमें जो fiscal deficit है वो 3% से beyond नहीं जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये कोई judicial law नहीं है, और जो law बनाने की power है वो ultimately parliament के पास है। और फ्रीबाइज जो हैं उनको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया ये क्या है, तो फ्रीबाइज वो होने चाहिए जो लोगों की लाइफ स्टाइल को अपलिफ्ट कर सके। फ्रीबीज बेसिकली वो आपकी ऐसी एक चीज़ें हैं जो कि आपकी जिससे पॉलिटिशियन जो है लुभाते हैं अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को और आपके बैंक को लुभाने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, दिस इज द स्टेटमेंट जो कि अभी रिलीज की है। दिस इज द न्यूज़ ऑफ योर 24th ऑफ अगस्त। स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर।